लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शिक्षिका का अमानवीय चेहरा आया सामने। शिक्षिका ने पहले कक्षा के छात्र की बेरहमी से की पिटाई। छात्र के पिता राकेश ने शिक्षिका पर लगाया आरोप। महिलाबाद थाना अध्यक्ष ने लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित छात्र ने पिता के थाने पर दी तहरीर। आपको बताते चलें कि महिलाबाद लखनऊ में थाना क्षेत्र अंतर्गत एक शिक्षिका का अमानवीय चेहरा सामने आया है। शिक्षिका ने पहले कक्षा के एक के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। उक्त बातें छात्र के पिता राकेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि जीवन में गुरु शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु ज्ञान का भंडार होता है, वह हमें ज्ञान देता है, हमारा मार्ग आलोकित करता है। ज्ञान वह अमूल्य वस्तु है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ज्ञान ऐसा कोष है जिसमें से जितना व्यय करो वह उतना ही बढ़ता जाता है। गुरु ही हमारे जीवन का मार्गदर्शक करता है, लेकिन एक शिक्षिका का अमानवीय चेहरा सामने आया है। मलियाबाद थाना क्षेत्र के बिराहिमपुर निवासी राकेश ने थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसका 5 वर्षीय पुत्र प्राथमिक विद्यालय इब्राहिमपुर में पढ़ने जाता है, जो कि कक्षा 1 का छात्र है। वहाँ की अध्यापिका सिया दुरारी, जो कि विद्यालय के बच्चों के हाथ पैर दबवाती है, न दबाने पर उसके 5 वर्षीय पुत्र को बेरहमी से पीटा। घटना की जानकारी लेने पहुंचे तो शिक्षिका ने डराते धमकाते हुए कहा कि कोई कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे बच्चे का नाम काटकर भविष्य खराब कर देंगे। पीड़ित ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या बोले जिम्मेदार? इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी पदम शेखर मौर्य की जानकारी करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। इस संबंध में मलिहाबाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। रामकिशोर यादव, लखनऊ, ब्यूरो चीफ की खबर, UFT।